आना सागर झील का जलस्तर कम करने के लिए खुले गए पानी से खानपुराई सहित अन्य क्षेत्रों में किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आज अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता भदेल और पुष्कर से विधायक सुरेश रावत जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे और तुरंत पानी बंद करने की मांग रखी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायकों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले काम के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता को परेशान किया जा रहा है और बिना सूचना के ही मना करने के बावजूद आना सागर का पानी खोल दिया गया, जिसके कारण सैकड़ों किसानों की जमीन में पानी चला गया और उनकी खेती नष्ट होने की कगार पर है। ऐसे में उन्हें लाखों का नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई भी जिला प्रशासन को करनी चाहिए। इन सभी विषयों को लेकर आज बीजेपी की ओर से ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर को जल्द से जल्द पानी बंद करने की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर बीजेपी खुद पानी को बंद करेगी। देखिए, आना सागर एस्केप चैनल के गेट खुलने के कारण से खानपुरा के पेटे में जिन हमारे किसान भाइयों की जमीनें हैं, उनकी जमीनों में खेती हो रही, रबी की फसल मटर उगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन को मना करने के बाद मैंने खुद ने जिलाधीश महोदय को फ़ोन करके बताया था कि भाई पानी जाने से हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी, परंतु जिला प्रशासन को किसानों की चिंता नहीं है, उनको तो सिर्फ जो नीचे का अधिकारी फीडबैक दे देता है उसकी चिंता है। ये सरकार कहती है हमारी पारदर्शी सरकार है, किसानों की चिंता करने वाली सरकार है, कहने के बावजूद भी किसान भाइयों की ज़मीनों में पानी घुस गया और उनकी फसलें बर्बाद हो गई। तो आज ज्ञापन देने आए हैं कि ये आना सागर एस्केप चैनल का जो पानी है वो किसानों की फसलें जब तक खड़ी हैं, जब तक वो फसल कट नहीं जाती पूरी तरह, वो फसल ले नहीं लेते, कम से कम तब तक उस पानी को रोका जाए। और ये किसान भाइयों को जो बहुत गर्मी में, सर्दी में, कितनी सर्दी में भी बेचारा खेत में जाके काम कर रहा, पानी निकासी का काम कर रहा है, परंतु जिला प्रशासन को जरा सी परवाह नहीं है। इसलिए आज हम ज्ञापन देना है कि या तो तत्काल इसको बंद किया जाए, नहीं तो ये आना सागर चैनल के गेट हम खुद बंद कर देंगे, हम खुद बंद कर देंगे इसके गेट। आज हमारे खानपुरा के किसानों के साथ हम लोग आए और सिंचाई विभाग ने किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए खानपुरा के तालाब में आना सागर का पानी, जो अभी आवश्यक नहीं था, नहीं तो भी बरसात का सीजन है और नहीं कोई आवश्यकता थी पानी खोलने की, लेकिन फिर भी वहाँ किसानों की हज़ारों बीघा ज़मीन के अंदर मटर, गोभी और गेहूँ की फसलें हैं। उस फसलों के अनदेखी करते हुए हमने पहले भी 3-4 दिन पहले भी ग्रामीण लोग आए और ADM साहब को ज्ञापन दिया कि साहब हमारी फसलें खराब हो जाएगी, लेकिन उस ज्ञापन की अनदेखी करते हुए इन्होंने आना सागर का पानी खोला, जिसका यह परिणाम है कि वहाँ लाखों रुपए की फसल नष्ट हो गई। तो आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मांग करना है कि तत्काल प्रभाव से उस चैनल को बंद किया जाए और इसके खोलने के पीछे भी उद्देश्य ये है कि वहाँ स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, लोग आना सागर का आपस सेल्फी लेते हैं, सिर्फ आना सागर के अंदर तो लोगों को सेल्फी खिंचवाने के लिए किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। कि हम किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी स्थिति के अंदर होने नहीं देंगे और हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि तत्काल प्रभाव से उसको बंद किया जाए।